हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोन चैनल गुरुकुल लाइफ। आज हम आपके लिए लेकर आए इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट टू, जिसमें हम आगे से पढ़ेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है मीडियम टर्म आउटलुक, अ ग्रोथ विजन फॉर न्यू इंडिया, ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल। अमृतकाल कब है? 2047, नेक्स्ट 25 ईयर्स फ्रॉम 2022, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। इसमें क्या करेंगे? 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट का है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को 35% ऑफ GDP थ्रू कंडीसिव पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है 35% ऑफ GDP तक। नेक्स्ट कौन सा है? सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथन इंडिया MSME सेक्टर। कैसे होगा स्ट्रेंथन? डीरेगुलेशन एट द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट लेवल। थर्ड पॉइंट है रिमूव द ग्रोथ इंपीडिमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। फोर्थ है ग्रीन ट्रांजिशन, दैट इज इको फ्रेंडली और अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी में ट्रांजिशन करना कोल से। ब्रिज द एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट गैप, फिफ्थ पॉइंट है। एंड सिक्स्थ है बिल्ड द स्टेट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। ऐसे 6 पॉइंट है जो आपको मेंस में आंसर लिखने के काम आ सकते हैं, या फिर ये फर्स्ट पॉइंट 35% ऑफ GDP ये भी MCQ में काम आ सकता है। उस पर पॉलिसी फोकस फॉर द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, इसमें कौन कौन से? सबसे पहले लेंगे जनरेट द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये नंबर वन। सेकंड है एड्रेस द स्किल गैप चैलेंज, स्किल गैप का जो चैलेंज है उसको एड्रेस करना। थर्ड है टैप इनटू द फुल पोटेंशियल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो ऊपर पढ़ा है हमने भी। इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर MSME सेक्टर भी पढ़ा। मैनेज इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन भी पढ़ा है। नेविगेट द चाइनीज कन्यूंड्रम, वॉट इज चाइनीज कन्यूंड्रम? इट इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन पोस्ड बाय चाइनीज मोनोपोली ओवर द सप्लाई चेन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप गुड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, नॉट इजी टू टैकल। चाइनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रकार से ओवर पावर है, उसको हम कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे? ये एक चाइनीज कन्यूंड्रम, दिस इज अ क्वेश्चन, मीन्स दिस इज द चैलेंज पोज बाय चाइनीज, ठीक है। नेक्स्ट है डीप द कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को डीप करना, इन इक्वालिटी को टैकल करना एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ ऑफ इंडियन यंग पॉपुलेशन। ऐसे पॉलिसी फोकस फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, ये सब मेंस में लिखने के लिए काम की चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर है इसका क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, डीलिंग विद ट्रेड ऑफ्स, वॉट काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ्स। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन क्या है वो देखेंगे। सोलर पावर क्या है? एडिशन ऑफ 15.3 GW इंस्टॉलेशन सोलर पावर कैपेसिटी इन 2023-2024, क्यूमुलेटिव 82.64 GW इंस्टॉलेशन सोलर कैपेसिटी एज ऑन 30। मतलब एडिशन कितना किया है 15 GW का, और अभी इंस्टॉल कितना है 30 अप्रैल 2024 तक 82.64 GW तक हमने सोलर पावर का इंस्टॉलेशन कर लिया है। नेक्स्ट है इमिशन इंटेंसिटी, इमिशन इंटेंसिटी ऑफ द इंडिया GDP इज रिड्यूस बाय 33% इन 2019। 2005 से 2019 तक 33% इमिशन रिड्यूस हुआ है GDP से कंपेयर करते हुए। इमिशन इंटेंसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिटेड पर यूनिट ऑफ कंट्रीज GDP। इसको कैसे निकालते हैं? टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन डिवाइड बाय टोटल GDP। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि 2005 से आज 2019 तक 33% का रिडक्शन हुआ है इमिशन टू GDP। ओके, नेक्स्ट है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर फॉर कार्बन सिंक। ओके, तो कार्बन सिंक ऑफ 1.97 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। व्हाट इज कार्बन सिंक? कार्बन सिंक एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ओशियन सॉइल एंड फॉरेस्ट। ओशियन सॉइल एंड फॉरेस्ट क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन सिंक है। ओके, कार्बन सिंक कब क्रिएट होता है? जब एटमॉस्फेयर CO2 एब्जॉर्ब करता है। ओशियन सॉइल एंड फॉरेस्ट से ऑब्जर्व करते हैं CO2 को, इसीलिए दे आर दी लार्जेस्ट कार्बन सिंक इन दी वर्ल्ड। तो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी एज ऑन 30 अप्रैल 2024 कितना है? 442.8 GW। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से 48% आप देखेंगे नियरली 50% कोल का ही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी फिलहाल तो एक मेजर रोल प्ले कर पाई नहीं है। लिग्नाइट है 6.62%, ये भी कोल है। तो 50 से ऊपर है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल 50+। ओके, और जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें देख सकते हैं विंड 46 GW, 10%, 2%, 19%, ओके 1%, 11%, 2%, उसको आप ऐड कर लो तो वो ये 50% भी नहीं है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें आप देखेंगे ग्राफ में देखेंगे तो सबसे नंबर वन पे है चाइना, ओके माइनिंग में। सेकंड पे आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, थर्ड पे है म्यांमार, दिस इज थर्ड पे म्यांमार एंड फोर्थ पे US। तो आपको इतना याद रखना है कि नंबर वन पे कौन है एंड सेकंड पे एट द मोस्ट। ओके, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, बाकी इंडिया का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे।
ओके एंड रिफाइनिंग में भी नंबर वन पे चाइना ही है, यहाँ पे सेकंड पे मलेशिया है, सेकंड पे मलेशिया है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि है माइनिंग पे सेकंड नंबर पे और रिफाइनिंग पे थर्ड नंबर पे है, ठीक है। एंड यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए बराबर ही है रिफाइनिंग के से भी, रिफाइनिंग को कंसिडर करेंगे तो। अभी नेक्स्ट चलते हैं पीएम सूर्यघर योजना। अंडर पीएम सूर्यघर योजना टोटल आउटले ऑफ रुपीज 75,000 करोड़ का टोटल आउटले है, ओके 75 CR, ऐसे याद रख सकते हैं 75,000 CR का टोटल आउटलेट है। इसमें क्या करेंगे हम, इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट एवरी मंथ फॉर 1 crore हाउसहोल्ड, ओके 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे 1 crore हाउसेस को। क्रिएट अराउंड 17 lakh डायरेक्ट जॉब्स, ओके एडिशन ऑफ 30 GW ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू रूफटॉप सोलर, 30 GW ऐड करेंगे। और रिडक्शन ऑफ 720 million tons ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिशन, 720 million ton CO2 इससे कम होगा, मतलब एडिशन करेंगे 720 मिलियन इमिशन का तो इससे इतना CO2 कम होगा। 30 GW हमें रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, 17 lakh जॉब क्रिएट होंगे, 300 यूनिट पर मंथ 1 crore हाउसहोल्ड को फ्री मिलेगा, ठीक है। इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर एंड 75,000 इसका बजट है, ये बजट याद रखना जरूरी है 75,000 crore। स्टेप टेकन टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी लिए क्या क्या स्टेप ली गई, सबसे पहले लाइफ मिशन जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सेकंड है परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, ये जो परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड मिशन है, दिस इज मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये क्या है, ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, ओके दिस इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू फर्दर एक्सेलरेट एज वेल एज इंसेंटिवाइज एनर्जी एफिशिएंसी एज लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ओके। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, 2011 में जो इंट्रोड्यूस किए थे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स अंडर परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड के अंदर, तो ये अंडर आता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के अंडर, ओके एंड दिस इज अंडर नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ओके। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इज वन ऑफ द 8 प्लान अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर एक वन ऑफ द 8 प्लान है। अब एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, ये वो सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि समझो कोई प्लांट है उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया एनर्जी मिशन का, मतलब उसको जो टारगेट दिया है वो, और जो प्लांट है जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया है या जो टारगेट से नीचे है, ओके तो ये जो प्लांट है ये इस प्लांट से सेविंग सर्टिफिकेट खरीदेंगे, ठीक है, जिससे इसको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसने टारगेट अचीव किया है और इनका भी सेविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, जिससे हमें एक्स्ट्रा, मतलब जिससे हम एनर्जी एफिशिएंसी की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC, इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था, ओके पहले इसको हम हटा देते हैं, पुराने वाले को एक बार डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देंगे, इसको पहले हटा देते हैं, चलिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड सेट्स मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर न्यू कमर्शियल बिल्डिंग, न्यू कमर्शियल बिल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, कितना कनेक्टेड टू लोड ऑफ 100 किलोवाट और 120 किलो वोल्ट एम्पियर, ओके ये इसका क्राइटेरिया है, जिसके लिए मतलब ECBC नॉर्म्स आर एनर्जी परफॉर्मेंस फॉर द वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट एंड टेक्स इनटू कंसीडरेशन द क्लाइमेट रीजन, द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉर्म्स लोअर द बिल्डिंग्स एनर्जी रिक्वायरमेंट विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन कंफर्ट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑक्यूपेंट, ठीक है। तो इससे हम एनर्जी इफिशेंसी एक बिल्डिंग को बना सकते हैं। नेक्स्ट है शून्य लेबलिंग प्रोग्राम, वॉट इज दिस, दिस इज द लेबलिंग टू बिल्डिंग टू वाइडन द स्कोप ऑफ बिल्डिंग लेबलिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन एनर्जी कंजम्पशन, ये भी BEE ने लॉन्च किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। इंट्रोड्यूस द लेबलिंग प्रोग्राम फॉर नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग एंड नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग, इसमें एक नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग आता है एंड नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी एक तो जीरो है
या फिर एनर्जी एफिशिएंसी में ये टारगेट सरपास कर चुके हैं, ऐसे टू लेबल्स होते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, है सेम ही है शून्य लेबल प्रोग्राम के जैसा। ओके, एसी एट 24 कैंपेन, मतलब एसी का टेम्परेचर जो है वो हमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। ओके, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है, इससे 4000 रुपीज़ एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत होगी एक तो। दूसरा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये कहना है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी उसका टेम्परेचर 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 24 डिग्री सेल्सियस के पास जो टेम्परेचर अगर लेके जाएंगे तो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। कंट्री लाइक यूएस एंड जापान में ऑलरेडी टेम्परेचर सेट हो चुका है, मतलब आपको मतलब ऑटोमेटिकली सेट रहता है वो टेम्परेचर, मैन्युअली तो आप चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा जैसे आपके हिसाब से है वैसे। ठीक है, चलिए ये हमने मिशन देख लिया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे है सोशल सेक्टर बेनिफिट्स दैट एम्पावर, क्या करेंगे वो, ट्रांसफॉर्म्ड अप्रोच टू द वेलफेयर, सैचुरेशन अप्रोच, नो मोर लेफ्ट बिहाइंड, किसी को लेफ्ट नहीं रहना है, एम्पावरमेंट पे फोकस करना है, बेसिक नेसेसिटीज पे फोकस करना है, कम्युनिटीज एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे फोकस करना है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फिजिकली सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी फॉर इफिशेंसी, ये सब मेंस के लिए पॉइंट है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। इनेबलिंग वीमेन लेड डेवलपमेंट, SHG, एजुकेशन एंड क्लीनिंग, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये लिए है मूवमेंट लेड डेवलपमेंट। मेंटल हेल्थ पे इस बार इन्होंने एक पूरा चैप्टर ही निकाला है, मेंटल हेल्थ में फोकस किया है इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार, तो आपको ये पढ़ के जाना है, हम शॉर्ट्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, प्रोडक्टिविटी लॉस, हेल्थ केयर लॉस, हायर रिस्क विथ राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसके मेंटल हेल्थ के कमज़ोर होने के। प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, हेल्थ केयर कॉस्ट होगी, हायर रिस्क फॉर राइजिंग अर्बनाइजेशन से हायर रिस्क प्रोड्यूस होती है, एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हमारा इफेक्ट होगा। पॉलिसी एक्शन क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान भारत, इसके लिए पॉलिसी एक्शन है। नीड फॉर एडिक्वेट पर्सनल, ब्रेकिंग द स्टिग्मा एंड कम्युनिटी एक्शन, ये तीन एक्शन प्लान देने की ज़रूरत है। ये एक्शन प्लान, ये है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ओके, ग्लोबली 1 out of every 2 पीपल विल डेवलप द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन देयर लाइफ टाइम, 1 out of every 2 पीपल ग्लोबली लाइफ टाइम में, मतलब ये देखो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। 10.6% अडल्ट सफर्ड फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन इंडिया, ट्रीटमेंट गैप कितना है, 70 to 92%। ओके, 10.6% अडल्ट सफर करते हैं मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया की वजह से, ट्रीटमेंट गैप है इनका 70 to 92%। यूथ एंड फोन इंटरनेट ओवर यूज, ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड, जो आजकल के बच्चे हैं वो आते ही मोबाइल पे लग जाते हैं, इससे उनके ब्रेन पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो इनका यही कहना है कि ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड, तो उसका ओवर यूज़ करना हमें काफ़ी तरह से कम कर देना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे बच्चों को मोबाइल या टैबलेट्स यूज़ करने देना चाहिए, उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ये बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टूवर्ड्स क्वालिटी। ओके, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे होगा, इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ जॉब, तो टाइप ऑफ जॉब किस तरह से चेंज हो रहे हैं ये पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये एक तो कॉम्प्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है लेबर के लिए, क्योंकि अगर AI बढ़ेगा तो मैकेनिकल जॉब की कमतरता होगी, तो लेबर के जॉब घटेंगे, ऐसा ट्रेड ऑफ है, या फिर लोग ऐसा भी, या फिर सर्वे ही खुद बोलता है कि AI की वजह से जॉब बढ़ेंगे ना कि कम होंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा। शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑफ AI, रिप्लेस फ्यू जॉब एंड बूस्ट द प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर। ठीक है, फ्यू जॉब तो मतलब रिप्लेस होंगे, कम तो होंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट होगी और जिससे जॉब और बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल चॉइस डिपेंड ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, नीड फॉर आइडेंटिटी इन AI एंड प्लान फॉर AI इम्पैक्ट ऑन जॉब, जो जॉब पे AI का इम्पैक्ट होगा उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। राइज ऑफ गिग वर्कर, गिग वर्कर मतलब फ्रीलांसर जो होते हैं किसी कंपनी के लिए जो वर्क करते हैं, फ्रीलांसिंग देते हैं, वो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, उनके लिए उनको सोशल सिक्योरिटी मिलना ज़रूरी है, जैसे इंश्योरेंस टाइप हो गया, उस टाइप की। ओके, नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, प्रोडक्टिविटी लॉस कपल्ड विद द जॉब क्रिएशन इन द न्यू सेक्टर। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज से प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे धूप होती है तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते या हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, उस तरह से प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। ठीक है, तो न्यू सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन पे इस पर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग लेबर मार्केट इंडिकेटर्स एंड PLFS, PLFS मीन्स पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे,
तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की एनुअल रिपोर्ट जो आती है उसमें लेबर पीरियड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है तो 2023 में कितना था 57.9%, ये बड़ा ही है। ओके, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी बड़ा ही है 56%, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो 6% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी 3.2% हो गया। ओके, एंड वर्कर पॉपुलेशन जो रेशो है, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो मतलब टोटल पॉपुलेशन वर्कर कितने हैं, वर्कर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो 56% है अभी। एंड लेबर से पार्टिसिपेशन रेट 58%, ऑलमोस्ट 57.9। तो ये फिगर याद रखने हैं आपको, दिस कैन बी आस्क इन द MCQ, ठीक है। नेक्स्ट है अपस्केलिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड राइजिंग ऑर्गेनाइज्ड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हम देखेंगे कि फैक्ट्रीज इन ऑपरेशन जहाँ पे लेस देन 100 एम्प्लॉयज है एंड मोर देन 100 एम्प्लॉयज है, तो CAGR कितना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, तो फैक्ट्रीज में ऑपरेशन में लेस देन 100 एम्प्लॉय में CAGR 0.4% है, लेकिन मोर देन 100 में 11.8% है, ये अच्छी बात है। वर्कर्स जो है उनका CAGR कितना है 13.2% एंड टोटल पर्सन एंगेज उनका CAGR कितना है 12.2%। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 2017-18 और 2021-22 के बीच, ये 17-18 और 21-22 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, 17-18 to 21-22 के फिगर ही आएंगे। तो जो वर्कर्स का CAGR है वो बढ़ा है 4.8 से लेके 13.2% तक एंड टोटल पर्सन एंगेज बढ़े 3.9% लेके 12.2% तक। एंड जो फैक्ट्रीज इन ऑपरेशन है वो 0.4% से लेके बढ़े 11.8% तक CAGR। कोशिश करें याद रखने की, सब कुछ तो याद हम रख नहीं सकते, जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना अच्छा एग्ज़ाम के लिए, कीप ट्राइंग। ओके, जॉब शेडिंग बाय एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में कितना रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू अदर जॉब, एग्रीकल्चर जॉब कितने कम हुए हैं और बाकी जॉब कितने बड़े, ये हमें पता चलेगा, ठीक है। ये मैप एक मतलब ग्राफ है, तो ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ये आज की डेट है 2024 और ये 2036 है, यहाँ पे पता चलेगा आप तो टोटल नीड फॉर न्यू जॉब, तो 81 लाख टोटल नीड फॉर न्यू जॉब होगी 2036 में, ठीक है। एज ऑफ 2024 इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट एवरेज ऑफ नियरली 78.5 लाख जॉब एनुअली अंटिल 2030 इन द नॉन फॉर्म सेक्टर। ओके, 2030 तक हमें नॉन फॉर्म सेक्टर में 78.5 लाख जॉब एनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि आपने 80 लाख जॉब्स क्रिएट कर लिए लेकिन वो मेगर लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, इस तरह से नहीं, क्वालिटेटिव जॉब होना ज़रूरी है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अज्यूम्शन, ये अज्यूम्शन पे कैलकुलेशन बेस्ड है, इसका कोई नहीं, दिस पॉइंट इज शुड बी रिमेंबर 78.5 लाख, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट प्लेंटी ऑफ अपसाइड लेफ्ट इफ़ वी गेट इट राइट। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर शो रिजिलियंस एंड द डाइवर्स ग्रोथ विथ नोटेबल इंप्रूवमेंट इन द फिशिंग एंड एक्वाकल्चर ओवर द रिसेंट ईयर। ओके, तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है हमने, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि 2017-18 ये क्रॉप्स है, ग्रीन में क्रॉप्स है, लाइव स्टॉक है एक पर्पल ब्राउनिश कलर में, फिशिंग है ब्लू कलर में एंड दिस इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है ऐसा इनका मानना बोलना है 2021 से 2022-2023 का, जिसमें फिशिंग एक्वाकल्चर तो थोड़ा रिड्यूस ही हुआ है लेकिन ठीक है। क्रॉप्स है तो क्रॉप्स बड़े हैं, क्रॉप्स के प्रोडक्शन बढ़ा है क्रॉप्स का, एंड लाइव स्टॉक में थोड़ी कमतरता है लेकिन वो आगे चल के हम कवर अप कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। नेक्स्ट है फिक्सिंग MSP एट 1.5 times द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अश्योरिंग द रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द फार्मर। जो MSP है, MSP का कॉस्ट कितना रखना चाहिए, 1.5 times। ओके, 1.5 times ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन के वेटेज एवरेज से MSP कंपेयर करना चाहिए, ऐसा इनका मानने का मतलब है। तो MSP सबसे ज़्यादा कौन से क्रॉप को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कॉटन को सबसे ज़्यादा MSP मिलता है, सेकंड पे है अरहर तूर दाल, थर्ड पे आता है मसूर। ओके, और सबसे कम किसका है, पैडी का, वो याद रखिए आप। और MSP बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कम नहीं होता था हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इसमें आपको फिगर देखना है,
जिसके इस परसेंटेज, तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि 2021 मतलब पिछले साल से नेक्स्ट ईयर में क्या कम हुआ है क्या बढ़ा है। तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सेक्टर में मतलब घट है, ये तो बढ़ रहे कि रिजिलिएंट ग्रोथ है, लेकिन ये कम हुआ है। जो टोटल एग्रीकल्चर है उसका प्रोग्रेस सिमिलर है, मतलब स्टेबल है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये जो फिशिंग एक्वाकल्चर सेक्टर है उसमें थोड़ा डिक्लाइन है, और लाइफ स्टॉक में भी थोड़ा डिक्लाइन है। ठीक है, क्रॉप्स से सिर्फ क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ी है, ये थोड़ी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आएंगे हम जीवीए, व्हाट इज जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय लोकल इकोनॉमी माइनस इंटरनल इनपुट वैल्यू यूज टू प्रोड्यूस दे। तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से फाइनल प्रोडक्शन जो इकोनॉमी के लिए होते हैं, उसको जो हमारे लिए वो बनाने के लिए इनपुट वैल्यू जो लगी है उसके, मतलब रॉ मटेरियल्स की वगैरह जो इनपुट वैल्यू, उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसे करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये टोटल के होते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो आप कैसे भी गूगल वगैरह करके इसके बारे में जान लीजिए, ये बेसिक है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे ये तो हम बता नहीं सकते, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये द अलाइड सेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर स्टेडीली इमर्जिंग एज द रोबस्ट ग्रोथ सेंटर एंड प्रॉमिसिंग सोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग फार्म इनकम। तो फार्म इनकम के लिए ये अलाइड सेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टेडीली इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इन टोटल जीवीए, तो 2022 एंड 23 का ही देखेंगे हम, क्रॉप्स का कितना है 10.1% टोटल शेयर इन जीवीए। ठीक है, एग्रीकल्चर में अलाइड सेक्टर। नेक्स्ट लाइव स्टॉक कितना है 5.5%, फिशिंग 1.3% एंड फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री बोथ आर 1.3%। ठीक है, फिश फॉरेस्ट 1.3%, ओके। लाइव स्टॉक जो है वो है 5.5%, ठीक है, एंड जो क्रॉप्स है एग्रीकल्चर का उसका 10.1%, मतलब एग्रीकल्चर 10.1% है, बाकी जो ये अलाइड एक्टिविटीज़ है ओके, तो 1.3% है फिशिंग एक्टिविटीज़ एंड फॉरेस्ट्री, एंड जो लाइव स्टॉक है वो 5.5%। ठीक है, क्रॉप्स नंबर वन, लाइव स्टॉक नंबर टू एंड फिश एंड फॉरेस्ट्री 1.3%। ये लास्ट ग्राफ 2022-23 का याद रखना है। ठीक है, ग्रोथ इन द लाइव स्टॉक सेक्टर्स सिग्निफिकेंटली बूस्टेड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एग्स एंड मीट। ऑफकोर्स अगर लाइव स्टॉक सेक्टर में बढ़ेगा तो मिल्क एग एंड मीट में भी बढ़ोतरी होंगी, लेकिन जैसे हम ग्राफ में देख पा रहे कि प्रीवियस ईयर टू नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है, मिल्क की प्रोडक्शन है उसमें घट आई है परसेंटेज, ओके इन परसेंट, तो 6% 4% पे आ गया है। जो एग्स है एग्स में ही बढ़ोतरी हुई है, बाकी जो फिश है उसमें भी ग्राफ काफ़ी स्टीफ है डाउनफॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि बूस्ट हुआ है, फिशिंग सेक्टर हैज़ ग्रोथ कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ 8.9% बिटवीन 2014-15 एंड 2022-23। तो फिशिंग सेक्टर जो है वो ग्रोथ एट द कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 8.9% की ग्रोथ दिखाई है फिशिंग सेक्टर ने। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्राइस, कॉन्स्टेंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद जो प्राइस आती है वो, तो 8.9% की ग्रोथ है फिशिंग सेक्टर में, ये याद रखिए। एक तो ये याद रखिए जीवीए, इनका जीवीए में टोटल एडिशन कितना है, ठीक है, शेयर कितना है जीवीए में, एंड फिशरी सेक्टर ने 8.9% की एनुअल ग्रोथ दी है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम मैटर्स, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री मैटर करती है, ओके। आप यहाँ पे देख ही सकते कि एनुअल ग्रोथ इन द इंडस्ट्री एंड इट्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री। तो हम 2024 में जाएंगे सीधा, ओके। तो 2024 के हिसाब से टोटल जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो अभी 9.5% के आसपास है, ठीक है, एंड इसमें सभी जगह ग्रोथ तो नहीं है पिछले ईयर से, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेबल है सारे इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग थी जिसमें डाउनफॉल था, तो मैन्युफैक्चरिंग में अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है एंड पॉजिटिव ग्रोथ है। सिमिलरली माइनिंग एंड क्वेरिंग में भी ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस में डाउनफॉल है, लेकिन वो भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में, एंड कंस्ट्रक्शन है वो स्टेबल है या फिर बढ़ा भी है, थोड़ा बढ़ा है, थोड़ी राइज है। ठीक है, तो ऐसे 2024 में याद रखना है कितना है
9.5% ग्रोथ इंडस्ट्री एंड कंपोनेंट में ग्रोथ है सभी जगह। की इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज कोल प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन इज ए इम्प्रूव्ड, कितना है 80.8%, ठीक है ऑलमोस्ट 80% इन 2024। प्रोडक्शन एक्सेलरेटेड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो रहा है। हाइस्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टील का जो है, स्टील ने हाइस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन किया है किससे 2024 में, दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है सर्ज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ परसेंटेज। ओके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, कार में जो है वो 7.1% है ग्रोथ आई है मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो वगैरह जो है 16% एंड टू व्हीलर में 10.3% की ग्रोथ है। ओके इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। एक्सपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो एक्सपोर्ट हुआ है 2022 में था 28.7%, अभी हो गया 62.5% एंड 15.6 था प्रोडक्शन में, तो अभी प्रोडक्शन हुआ है 42.9, मतलब जो एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, ठीक है एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्रीज। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडियाज़ फार्मेसी मार्केट इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, फिर नंबर वन पे चाइना ही होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा लेकिन चाइना नंबर वन पे होगा। 8 ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल जेनरिक कंपनीज बेस्ड इन इंडिया, ठीक है तो नंबर थर्ड पे लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। मोर देन 12,500 जन औषधि केंद्र ओपन कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये मेंस के पॉइंट है, मेंस में आपको लिखने के काम आ सकता है। हायर R&D इज़ रिक्वायर्ड टू प्रमोट इनोवेशन, ये तो हमें पता ही है। नीड टू इंक्रीज R&D चैनल, फंडिंग वगैरह की ज़रूरत है। R&D स्पेंड इन द ड्रग फार्मास्यूटिकल वॉज 5% ऑफ द सेल ऑफ टर्नओवर इन 2020 एंड 2021। ओके इसके R&D स्पेंड इन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल वॉज 5%, तो जो हम बेचने के लिए जितने सेल टर्नओवर का जो है ओके उसका सिर्फ 5% ही R&D पे स्पेंड किया गया था, तो R&D पे स्पेंड बढ़ना चाहिए, R&D पे स्पेंड बढ़ना चाहिए, ये आपको ये पॉइंट ऑफ मेंस के एग्ज़ाम में आंसर में लिख सकते हैं। ओके ये याद रखना है आपको, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। प्रोग्रेस अंडर PLI अंटिल मे 2024, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है वो किसके लिए लाई गई थी, बूस्ट मैन्युफैक्चर एंड रिड्यूस इम्पोर्ट के लिए। तो अंडर PLI स्कीम ओवर 1.28 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट डन। ओके एक्सपोर्ट बूस्टेड टू बाय 4 लाख करोड़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 8.5 लाख, ठीक है एंड प्रोडक्शन सेल 10.8 लाख करोड़। ओके तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 8.5 लाख रुपीज़ के लिए हो गई है। ओके ओवर रुपीज़ 1.28 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इसमें डन हो गई है एंड एक्सपोर्ट कितना बूस्ट हुआ है, 4 लाख करोड़ से एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है। ओके ये फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट गारंटिड अप्रूवल बाय द CGTMSE क्या देती है, गारंटी देती है किसको, जो कोलेटरल अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, कोलेटरल मीन्स मॉर्गेज देने के लिए, बैंक को मॉर्गेज देने के लिए आपके पास कुछ रहता नहीं है, सिक्योरिटी लाइक कमर्शियल पेपर्स और कमर्शियल बॉन्ड्स या फिर किसी तरह के बिल्डिंग प्लॉट नॉन एग्रीकल्चर सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये CGTMSE गारंटी देती है। इसके लिए आपको कस्टमर से हर साल एक परसेंटेज होता है उसमें फ़ी लेनी पड़ती है जब तक लोन चल रहा है कस्टमर का तब तक। ओके और ये 100% कवरेज नहीं देता है, ये 50% या 75% कवरेज देता है एज पर द फी पेड। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड माइक्रो दोनों के लिए CGTMSE की CGTMSE में बढ़ोतरी हुई है, तो ये कितना है नियरली 4 लाख करोड़, 3 टू 4 लाख करोड़ के आसपास है एंड माइक्रो के लिए 12 टू 16 लाख के आसपास है। ओके ये अमाउंट है, ये जो है दिस इज़ अमाउंट एंड ये जो है दिस इज़ नंबर। ओके राइट हैंड साइड दिस आर नंबर, कितने इंटरप्राइजेस को दिए हमने एंड कितने रुपीज़ के दिए, तो अमाउंट में आप देखेंगे तो 0.8 नियरली 0.9 लाख करोड़ पकड़ लीजिए आप एंड ये नियरली 3.5 करोड़ लोगों को मिला है इसके लिए। एंड माइक्रो इंटरप्राइज के लिए आप देखेंगे तो ये मिला है नियरली कितने लाख लोगों को, एक 15 टू 14 लाख लोगों को मिला है एंड जो अमाउंट है वो 1.3
लाख करोड़ रुपीज़ के बराबर मिली है, ठीक है। फ्लरिशिंग स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, देर आर ओवर 1300 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी बाय एंड ऑफ 2024। ओके, 1300 स्टार्टअप्स होंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, रोबोटिक्स में वगैरह, ओके, बाय 2024 एंड तक फाइनेंशियल ईयर के। एंड नंबर ग्रांटेड टू पेटेंट इंक्रीज 17 फोल्ड, पेटेंट की, हाँ, नंबर ऑफ पेटेंट्स कितने बढ़े हैं 2015 से 5978 से लेके अभी 103,000 हुए हैं, मतलब 1,00,000 के ऊपर अभी पेटेंट है, ये आपको याद रखना है, 1,00,000 के ऊपर 1.03 लाख, ऐसे आप याद रख सकते हैं, पूरा नंबर याद नहीं रहेगा तो। 17 फोल्ड इंक्रीज हुई है, दिस कैन बी आस्क्ड। सर्विस फ्यूलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीजिंग द ट्रेंड ऑफ जीवे, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना किया है, तो सर्विस सेक्टर 13 से लेके अभी 2024 11 साल में 86.7 लाख रुपीस करोड़ एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, मीन एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एडिशन किया है। पोस्ट कोविड में देखेंगे तो 2024 में 50.6% था सर्विसेज का, प्री कोविड था 54.8%, कोविड में ये नीचे गिरा 52.3, उसके बाद पोस्ट कोविड में फिर से ये वापस आ रहा है प्री कोविड की गिरा तक। ओके, बिजनेस एक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर, पीएमआई क्या होता है और क्या ट्रैक करता है, पीएमआई ट्रैक करता है बिजनेस एक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर, मतलब ये जो है पीएमआई जो है वो एक इंडेक्स होता है, ओके, जो 100 पॉइंट का इंडेक्स होता है, इसमें बिलो 50 कॉन्ट्रैक्शनरी जोन पकड़ते हैं, बिलो अबव 50 एक्सपेंशनरी जोन पकड़ते हैं। तो जो हमारा जो अभी सर्विस सेक्टर है वो एक्सपेंशनरी जोन में ऐसा बोल रहे, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 61.2 है फिलहाल, 50 को न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है, जो कभी 21, मतलब ये कोरोना के टाइम में नीचे आ गया था, कॉन्ट्रैक्शनरी जोन में था, अभी वो फिर से ऊपर जाके बढ़ा है, 61.2 एक्सपेंशनरी जोन में गया है ये इंडेक्स। नेक्स्ट है बूमिंग रेसिडेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेसिडेंशियल बूमिंग रेसिडेंशियल रियल इस्टेट सेल्स, तो रियल इस्टेट सेल्स में भी बूम आया, 33% हुए 22 से लेके 23 तक, एंड 14 से लेके 23 तक जो है वो स्टार्टअप में भी इंप्रूवमेंट आया, 2000 से अभी 31,000 प्लस स्टार्टअप है इंडिया में। फिजिकल कनेक्टिविटी सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पर्सिस्टेंट प्रोग्रेस इन द रेलवे फ्रीट ट्रैफिक, सस्टेनेबल इंक्रीज इन द शिपिंग टनेज एंड ग्रोथ इन एयर कार्गो ट्रैफिक, इन सब में राइज है, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बढ़ोतरी आई है, ऐसा इनका बोलने का मतलब है। ये फिगर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस आर वेरी टू मच। ग्रोथ मैप है ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह प्लेटफॉर्म होता है, ओके, जहाँ पे आप अपनी, जहाँ पे आप मीन्स सेलर अपनी चीज़ें कंज्यूमर को बेच सकते हैं। 68 मिलियन ट्रांजेक्शन सिंस इंसेप्शन, 85% स्मॉल सेलर सबसे ज़्यादा है इसमें, 65 सेलर अप्लीकेशन से, 12 लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से 9 मिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ होते हैं इसमें, 22 बार अप्लीकेशन है, 1200 सिटीज़ कवर करता है, एंड नियरली फिलहाल आज की डेट में, मतलब सर्वे की डेट में 5,35,000 प्लस सेलर है। ओके, इसमें एग्रीकल्चर कितना है 5,700 है, फैशन ब्यूटी ग्रॉसरी भी है, फूड एंड बेवरेज है, इसमें याद रखने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ग्रोथ को कैसे लिफ्ट कर रहे हैं ये हम जानेंगे। उसके लिए है रोड्स का एवरेज पेस ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इंक्रीज बाय 3 टाइम्स बिटवीन 14 एंड 24, 10 साल में नेशनल हाईवे ने कंस्ट्रक्शन स्पेस बढ़ा है 3 टाइम्स से। टोल डिजिटलाइजेशन रिड्यूस वेटिंग टाइम, 16 टाइम्स से टोल वेटिंग टाइम रिड्यूस हुआ है। रेलवे का कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 77% बढ़ा है 24 साल में, ओके, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन एंड डबलिंग। इंडिया रैंक इन द इंटरनेशनल शिपिंग कैटेगरी इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंप्रूव्ड फ्रॉम 44, अभी लॉजिस्टिक में 2023 में हमारा रैंक कितना था, 22 था, ओके, 22 इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी, ये याद रखना जरूरी है आपको, रैंक 22 हुआ है। अंडर सागरमाला 262 प्रोजेक्ट वर्थ 1.4 लाख करोड़ स्टैंड कम्प्लीटेड। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग इन 21 एयरपोर्ट्स, ये टर्मिनल्स पे ग्रीनफील्ड टर्मिनल्स पे क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली UPSC के एग्जाम पे, ठीक है, कितने टर्मिनल्स उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना था, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है।
नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी है इंडियाज टारगेट 50% ऑफ द क्यूमुलेटिव पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स बाय 2030। ओके, तो हमारा 50% टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से हम एनर्जी अपने कवरेज कर लें 2030 तक। ओके, उजाला स्कीम लेड टू एनुअल एनर्जी सेविंग ऑफ 48.42 बिलियन किलोवाट आवर, 190.57 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल बाय द एंड मार्च। तो 190 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बाय मार्च 24 तक इंस्टॉल कर लेंगे हम। एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर हैड न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.5 लाख करोड़ बिटवीन 2014 एंड 9 साल में या फिर 10 ईयर्स में। हाँ, रफली एनर्जी सेक्टर ने न्यू इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख करोड़ की न्यू इन्वेस्टमेंट पैदा की है। अर्बन सेक्टर में क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, 1.18 करोड़ हाउस होल्ड वेयर सैंक्शन एंड मोर देन 84 लाख कंप्लीटेड। 1.18 करोड़ हाउस होल्ड सैंक्शन हुए हैं अर्बन के अंदर, 84 लाख कंप्लीटेड, ये याद रखना है आपको। अमृत मिशन के अंदर 6,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ 83,000 करोड़ अवार्डेड, इसकी ज़रूरत नहीं, 6,000 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए इतना याद रखा तो भी ज़रूरत है। ठीक है, मेट्रो एंड रेल RRTS 945 किलोमीटर ऑपरेशन, 939 किलोमीटर, ये भी ज़रूरत नहीं। स्वच्छ भारत मिशन कंस्ट्रक्टेड 63.9 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटरिन, ये याद रखिए, एंड 6.37 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट। ओके, 63.07 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैटरिन है, 63 रफली याद रखिए इंडिविजुअल, एंड 6.3 ये फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें पॉइंट लगा देंगे 63 में तो कम्युनिटी आ जाएगा, 63 आएंगे तो इंडिविजुअल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है, 190.57 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2024, मार्च 2024 तो होंगे। देख, क्लीन एनर्जी सेक्टर है इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.5 लाख करोड़, याद रख सकते हैं तो रखिए। एक फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये याद रखिए कि 1.18 करोड़ हाउस होल्ड है वो सैंक्शन है एंड 84 लाख कम्प्लीट हुए हैं। एंड स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 63 लाख लैटरिन यूनिट इंडिविजुअल बने हैं एंड 6.3 लाख जो है वो कम्युनिटी है, इतने याद रखिए तो भी इनफ है। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स में है खेलो इंडिया 2024, 38 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वेयर सैंक्शन एंड 58 कंप्लीटेड। स्पोर्ट अथॉरिटी 9, ये कुछ ज़रूरत नहीं। वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 6,800 करोड़ यूनिट यूटिलाइज। ओके, जल जीवन मिशन टैप वाटर कनेक्शन 14.89 करोड़ हाउस होल्ड, नियरली 15 करोड़ हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड को है टैप वाटर कनेक्शन दिया गया, ये दोनों चीज़ याद रखना ज़रूरी है। 6,800 करोड़ यूनिट यूटिलाइज हुए एंड 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। अगेन, नमामि गंगा मिशन ऑप्टेड हाइब्रिड एनुटी मॉडल फॉर सीवेज। हाइब्रिड एनुटी मॉडल क्या होता है, एक PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें 10-15 साल के लिए गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी को एनुटी पे करती है प्राइवेट प्लेयर को, और उसके बाद वो टेक ओवर कर लेती है, जिसके 10 से 15 साल में वो अपना जो भी उसका खर्चा लगा है उस पर वो निकाल पाएँ, एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट टेक ओवर इट। ठीक है, एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम 25.8 लाख हेक्टर ऑफ एडिशनल इरीगेशन एरिया क्रिएटेड ड्यूरिंग 2016 to 2024। ओके, प्रसाद स्कीम के अंदर क्या है, 29 न्यू पिलग्रिमेज। प्रसाद स्कीम पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कौन कौन से पिलग्रिमेजेस आते हैं वो, एंड स्वदेश दर्शन 2.0 आउटलेट 3,800 करोड़, इतना ज़रूरी नहीं है, ये वाटर एंड सैनिटेशन वाला पार्ट आपको याद रखना है, इतना याद रखिए, बाकी तो ज़्यादा कुछ ज़रूरी लगा नहीं इसमें। स्पेस, इंडिया हैज़ 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स। ओके, 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स है, इतना याद रखिए, इसमें क्या क्या है ये ज़रूरी नहीं है। टेलीकॉम में 8.02 लाख मोबाइल टावर्स एज ऑफ जून 24। ओके, इलेक्ट्रॉनिक 10,300 करोड़ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया AI मिशन अप्रूव्ड। ओके, अभी जो ऐरावत है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। सिक्योर 75th पोजीशन इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 इन जर्मनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। एंड डिजी लॉकर पे कितना है, 26 करोड़ लोग, याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक ये याद रखिए, ये याद रखिए एंड ये याद रखिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इंडिया, वाई वी मस्ट लुक इन टू प्रॉब्लम थ्रू ओवर लेंस। ओके, नेट जीरो कार्बन इमिशन हमें करना है बाय 2070, ये हमारा टारगेट है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। डज नॉट सीक टू एड्रेस द कोर इशू, दैट इज ओवर कंज्यूमशन। करंट ग्लोबल अप्रोच क्या है क्लाइमेट चेंज का, ओवर कंज्यूमशन को टैकल नहीं कर पा रहा है। इरेशनल परस्यूट ऑफ द न्यू एज रिसोर्सेज इज स्कैरिंग द प्लैनेट, जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ इरेशनल हो रहा है।
करंट पाथवे में फॉल द शॉर्ट एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, जो करंट हमारा अप्रोच है वो बराबर नहीं है। स्क्रैम्बल फॉर द एनर्जी गजलिंग AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स की, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा ट्रेड ऑफ चल रहा है कि कार्बन इमिशन एंड पावर के लिए, तो क्लाइमेट गोल कैसे हम अचीव कर पाएंगे, दिस इज़ द केस। ओके, द फूड फीड बैलेंस इन द वेस्ट पोजेस अ थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी एज अ मोर सीरियल दो। इनका कहने का मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो सीरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं फीड्स के, मतलब फीड एनिमल फीडिंग के लिए, रादर देन फीडिंग फॉर द पीपल। जैसे इंडिया है, हमारे इंडिया का सबसे कम है फीड के लिए। ओके, वो ये आप देख सकते हैं, परसेंट टोटल डोमेस्टिक सीरियल सप्लाई, डोमेस्टिक सीरियल सप्लाई मतलब लोगों को जो सप्लाई जाता है वो कंपेयर टू एनिमल्स के लिए कितना कर रहे हैं वो, तो इंडिया सबसे पीछे। ये डेवलप्ड कंट्री जो है, आयरलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इनमें देखिए ये सीरियल का जो प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन में से काफ़ी सारा हिस्सा इनको फीड के लिए जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री लेस देन 1/3 ऑफ द डोमेस्टिक सीरियल प्रोडक्शन इज फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब 33% से भी कम ह्यूमन कंजप्शन के लिए बचता है सीरियल। इट टेक्स अराउंड 100 times एज मच लैंड टू प्रोड्यूस 1000 kcal ऑफ मीट कम्पेयर टू प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव, तो हमें प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मीट प्रोडक्शन के लिए 1000 kcal का अगर हम मीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए 100 times ज़्यादा लैंड लगेगी। बीफ के लिए कितना लैंड रखती है, 1000 kcal, ओके, मीटर स्क्वायर में लैंड दी है तो 120 square meters लैंड लगती है बीफ प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, जिसमें हम अगर हम ये देखेंगे टोमेटोज, ये क्रॉप्स है, यहाँ से दीज आर क्रॉप्स। ओके, फिश के लिए भी कमी लैंड लगती है, पोल्ट्री मीट, अभी ये पीग मीट, मिल्क वगैरह इनके लिए बढ़ता जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो फिश पोल्ट्री मीट इज़ ओके, लेकिन उससे ऊपर लैम्ब, बीफ, जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा चलता है, इसके लिए लैंड ज़्यादा लगती है प्लांट बेस से, जिससे मेथेन वगैरह भी काफ़ी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मीट इससे, बी प्रोडक्शन से वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है पाथ टू सस्टेनेबल हाउसिंग रिटर्निंग टू ट्रेडिशनल लिविंग स्पेसेस, मतलब एक ट्रेडिशनल अगर हमने अप्रोच अपनाया तो सस्टेनेबल की तरफ हम बढ़ते चलेंगे। ओके, जैसे कि सेंट्रल कोर्टयार्ड विद द वेल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए घर में, एवेन्यूज फॉर नेचुरल लाइटिंग एंड कूलिंग। ओके, लोकल बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए, लोकल लेबर रेडिंग इन द कंस्ट्रक्शन, इससे इंकरेजिंग द शिफ्ट टूवर्ड्स द मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड एज वेयर ट्रेडिशन टूडेज न्यूक्लिएटेड फैमिलीज आर द डिपार्चर फ्रॉम अवर ओल्ड। पहले हम एक साथ रहते थे, बस अब अलग अलग रहते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पेस लगती है, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, इट इज़ अ कॉमन, मतलब दिस इज़ अ, ये सबको पता होता है, इट इज़ वेरी कॉमन। द इंडियन अप्रोच टू टैकल क्लाइमेट चेंज, इंडिया का अप्रोच कैसा है क्लाइमेट चेंज के लिए, ये सिर्फ मेंस में काम आएगा, माइंडफुल कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ ओवर कंजम्पशन है। ओके, रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस, ठीक है, लोकल प्लांट बेस्ड क्यूजिन विच आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड द लो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, टीयरिंग पीपल टूवर्ड्स द मेकिंग प्रो प्लानट चॉइसेस एंड कलेक्टिव पावर ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस। धीरे धीरे सिंगल स्टेप लेते लेते हमें टारगेट अचीव करना है। मिशन लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ स्टेप फॉर इन्वायरमेंट, जो वहाँ पे बताता है लाइफ पैट वगैरह थी वो, तो लाइफ के अंदर क्या करना है, सेव एनर्जी, ओके, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक एंड सेव वाटर। ये इसके 7 points है जो आपको याद रखने, एग्जाम में पूछ सकते हैं लाइफ, मिशन लाइफ के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, ओके, क्या अप्रोच है मिशन लाइफ का, तो ये 7 points है, इसमें सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट ऑल्सो, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, सेव वाटर, ये 7 points है आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके साथ हमारा ये इकोनॉमिक सर्वे का part 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो इतना शेयर कीजिए ये वीडियो सबको पता चले एंड सबके तरफ नॉलेज पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।